छिंदवाड़ा में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। छिंदवाड़ा के परासिया के आंखाबाड़ी में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। बस में 45 से 50 लोग सवार थे। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यात्रियों ने बताया कि एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ड्राइवर का बस से कंट्रोल खो गया और बस खाई में गिर गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब तकरीबन 4 बजे की घटना है। अब हम लोग पीछे थे, आगे से ड्राइवर बोल रहा था किसी ट्रक वाले ने मतलब कट मारा है, इस चक्कर में वो गाड़ी कंट्रोलिंग में पलट गई, ऐसा बोल रहा था। 4 लोगों करीब लगा, बाकी 2 लोगों को ज्यादा लगा है, उनको वहां ले जाए छिंदवाड़ा रेफर करे। इसमें हरडे है कोई पिताजी का, उनके भोजराम हरडे लांजी के रहने वाले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।